नमस्कार भक्तों, जय माता दी। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आसान उपाय पर। भक्तों, आज मैं आपके लिए ये जो उपाय लेकर आया हूँ, इस उपाय से भक्तों आप अपने पति को या अपनी पत्नी को, अगर आपको लगता है कि उसका कहीं बाहर किसी और के साथ चक्कर है, वो आपके साथ बात नहीं करता ढंग से जिस तरह से आप चाहते हैं, आपको लगता है कि उसका आपसे ज़्यादा मन बाहर लगा रहता है, फोनों पे किसी से बात करता है, रात को काम से जल्दी घर नहीं आता आपका पति या आपकी पत्नी, सारा दिन फोन पे किसी से बात करती है, आपको लगता है कि वो किसी बाहर किसी और के चक्कर में है आपसे, मतलब कि आपसे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं प्यार में, एक दूसरे को प्यार में समय नहीं मिल पा रहा। तो भक्तों, यह जो उपाय है उसी चीज़ का उपाय है ये। आप अपने घर पे इस उपाय को सिर्फ मात्र एक दिन कर दीजिए, उसके बाद आपका जो प्यार है, आपका जो पति है, आपकी जो पत्नी है, मात्र अगले दिन ही वो जो इंसान आपका जो प्रेमी आपके कहने पे चलने लगेगा, आपकी तरफ खींचा चलाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा, आपको समय देने लगेगा। अगर आपको लगता था कि वो किसी के साथ बाहर बात करता है या किसी को बाहर समय देता है, तो वो सब चीज़ें होनी इस उपाय से, इस टोटके से बंद हो जाएगी। ये जो टोटका है बहुत शक्तिशाली है। इस टोटके को करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। उपाय में कोई भी चीज़ की अगर छोटी सी भी आपने मिस्टेक या कोई गलती कर दी वीडियो को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में, तो भक्तों फिर आप बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो तभी मैं बता रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, उपाय में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भक्तों, उपाय को जिस तरह से मैं बताऊं बिल्कुल वैसे वैसे आपने ही करना है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं ये उपाय। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिस किसी भक्तजन ने भी हमारा YouTube चैनल आसान उपाय सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा YouTube चैनल आसान उपाय सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो, हर उपाय आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं ये उपाय। भक्तों, उपाय में आपको क्या करना है कि एक लेना है कागज़, बिल्कुल छोटा सा कागज, उस पर आपने मान लीजिए इतने से दो चुटकी चावल डालने हैं। ये देख लीजिए, जितने मैंने चावल रखे हैं उसमें उतने ही लेने हैं भक्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक भक्तों आपने लौंग लेनी है, एक रात पहले अगर आपका पति या आपकी पत्नी सो जाए, रात को सोने के बाद भक्तों आपने क्या करना है कि ये जो लौंग है ना, आपने उसके तकिए के नीचे, उसके सराहने के नीचे आपने ये रात को लौंग रखनी है। आपके पति या आपके पत्नी के तकिए के नीचे आपने ये लौंग रात को रखनी है उसके सोने के बाद। और इस चीज़ का ध्यान रखें, सोने के एक घंटे बाद, जब तक उसकी नींद पक्की ना हो जाए अच्छे से, जब तक ये लौंग ना रखें। और ये लौंग रखने के बाद भक्तों आपने क्या करना है कि आपको जब लगे कि वो गहरी नींद में है, बिल्कुल भी गहरी नींद में है, बिल्कुल भी नहीं उठेगा, तो भक्तों आपने क्या करना है कि उसी समय एक कटोरी में इतना सा सरसों का तेल ले लें भक्तों, इतना सा ले, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल थोड़ा सा ले, इतना सा। उसके बाद भक्तों आपने क्या करना है कि इस तेल को उसके सोए हुए, अगर वो सो गया है, तो आपने भक्तों क्या करना है कि उसके ऊपर से, मतलब कि उसके ऊपर से आपने इस तेल को दो बार घुमाएं उसके ऊपर से, और घुमाने के बाद आपने उसका जो हाथ है ना भक्तों, उसका हाथ यहाँ पर टच करवा दें, मतलब उसका हाथ हल्का सा इस कटोरी पे लगा दें। करने के बाद हाथ बिल्कुल सा इस पे टच करवा दें, ताकि उसको लगे ना कि आपने कुछ किया, पर आपने ये करना है उसके सोने के बाद। ये करने के बाद भक्तों क्या करना, अगले दिन जब वो घर पे ना हो, कहीं गया हो आपका पति, अगर काम गया हो, अगर आपकी जो पत्नी है वो किसी कार्य से बाहर गई हो, उसके बाद आपने ये अकेले में ये काम करना है। कागज पे लेने हैं भक्तों आपने दो चुटकी चावल, इतने से एक लेना भक्तों आपने काले रंग का मार्कर। आपने भक्तों क्या करना है कि इस कागज पे आपने चावल जहाँ पे रखे हैं, पहले आप चावल रख लीजिए, उसके बाद भक्तों आपने क्या करना है कि एक यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इस नुक्कड़, मतलब कि ये जो कोना है कागज का पहला कोना, इस पहले कोने से आपने जो लाइन खींचनी है यहाँ तक, इस तरह से। उसके बाद भक्तों आपने यहाँ से लेकर एक लाइन ऐसी खींचनी है,
आपने एक लाइन इस कोने से खींचनी है, इस तरह से भक्तों आपने ये जो देखिए लाइन खींचनी, ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने खींचे चावल बिल्कुल भी नहीं हिलने चाहिए, जैसे मैंने खींची है वैसे ही करनी है आपने। फिर भक्तों आपने सुबह उसके तकी के नीचे से लौंग उठानी है, उठाने के बाद दीपक जलाना, माँ काली का सरसों के तेल का या चमेली के तेल का आप जलाएं, लेकिन मेरी माने तो सरसों के तेल का ही जलाएं आप। उसके बाद भक्तों क्या करना है कि अपने पति अपने पत्नी का नाम लेना है अपने अपने मन में, सिर्फ 11 बार, 11 बार नाम लेते हुए दीपक के ऊपर से अपने इस लौंग को घुमाना है। लौंग के ऊपर घुमाने के बाद भक्तों आपने क्या करना है कि उस तेल में जो आपने रात को तेल लिया था, उस तेल के अंदर आपने इस लौंग को आपने रख देना है इस तरह से। उस तेल के अंदर बिल्कुल लौंग को गीला कर दीजिए आप। उसके बाद तो क्या करना है कि जो लौंग के ऊपर जो उसकी टोपी होती है, ये देखिए बिल्कुल ऊपर से वहाँ से आपने इस लौंग को थोड़ा सा जलाइए ताकि ये थोड़ा सा काला हो जाए। ये देखिए इस तरह से आप जला लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा जलाना है ताकि ये थोड़ा सा ही काला हो, ज़्यादा नहीं जलाना। जलाने के बाद भक्तों आपने क्या करना है इस लौंग को इन चावल के बीच में रखना है इस तरह से। देखिए इन लौंग को इस चावल पे रखना है, मतलब कि ये लौंग आप इन चावल के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद इस कागज़ को इस तरह से बिल्कुल बंद कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। देखिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपने इस कागज़ को ना अच्छे से आप फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है भक्तों, और इसको मोड़ने के बाद इस तरह से देखिए। फिर आपने भक्तों क्या करना है कि इसको उस व्यक्ति अपने पति या अपने पत्नी जिस पे ये कार्य कर रहे हैं ना, उसकी फ़ोटो को लीजिए। उसकी फ़ोटो को लेने के बाद आपने क्या करना है, उसकी फ़ोटो के अंदर या किसी चीज़ में उसकी फ़ोटो के साथ इस चीज़ को रख दें अपने घर में, किसी चीज़ में रख दीजिए उसकी फ़ोटो और इसको साथ में, या किसी लाल रंग के कपड़े में लपेट के रख दीजिए। अगर कपड़ा लें तो लाल रंग का लें, उसके अन्य कोई कलर ना लें। बाकी आप कोई चीज़ में रखें इसको, किसी कहीं ऐसी जगह पर रखें ताकि उसका हाथ ना लगे, मतलब उस जगह पे तो इस चीज़ का ध्यान रखें मेन। ये कार्य करने के बाद आपने इस चीज़ को रखना है ऐसी जगह ताकि उसका हाथ ना लगे। जैसे ही रखेंगे भक्तों, उसके मात्र 5 घंटे के बाद वो इंसान आपके वश में हो जाएगा, आपका पति या आपकी पत्नी। आपको लगता है वो बाहर किसी को समय दे रहा है, आपको समय नहीं दे रहा, तो वो आपको समय देना शुरू कर देगा। आपके साथ अच्छे से बातचीत होगी, आपके कहने पे चलेगा, आप जैसा उसके साथ बोलेंगे वैसा ही वो आपका साथ वो बोलेगा, पहले से ज़्यादा आपके साथ प्यार करेगा, व्यवहार उसका आपके सामने अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जैसा है आप उसे चाहेंगे भक्तों, वो व्यक्ति आपके लिए वैसा ही करेगा। तो भक्तों ये जो उपाय था आज का यही था। उम्मीद है आपको जो ये उपाय समझ आया हो। अगर ये उपाय किसी को नहीं भी समझ आया हो तो हमारे स्क्रीन पे ऊपर दिए गए हमारे नंबर पे हमसे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं भक्तों। भक्तों इस उपाय को करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो व्यक्ति आपके आसपास ना हो जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। तो भक्तों आज का जो उपाय है अपने यही ख़त्म करते हैं। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस किसी भक्त ने भी हमारा YouTube चैनल आसान उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो हर उपाय आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो भक्तों जय माता दी।